हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अरविंद लेक्चरर में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँचते। तो आज का टॉपिक है हिंदी का पेपर क्लास 12 का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा समय ना लेते हुए। ये दो खंडों में पेपर है। पहला खंड में का पहला प्रश्न, उक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। नंबर एक, गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदा सुखलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु की पत्रिका है कविवचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ सन 1918 में, 1900 में, सन 1936 में, सन 1938 में। सेवा सदन के रचनाकार हैं ज्ञानेंद्र, आज्ञेय, प्रेमचंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है इंशाअल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, विष्णु प्रभाकर। आदिकाल की ग्रंथ नहीं है कीर्ति लता, बीसल देवरासु, आला खंड, पद्मावत। अष्टछाप की कवियों का संबंध है भक्ति काल की राम भक्त शाखा से, ज्ञान श्रेय शाखा से, प्रेम श्रेय शाखा से या कृष्ण भक्ति शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कबीर बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा है काव्य, उपन्यास, निबंध और कहानी क्या है। जो आप लोग को सही लगे वही बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरवाणी के डिक्टेटर हैं कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे, वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। जंगल के जिस प्रकार अनेक लताएं, वृक्ष और वनस्पति अपने आदम्य भाव से उठते हुए पारिवारिक सम्मिलन से अविरोधी स्थित प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र के एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो इसी से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। अगला क्वेश्चन, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं। फिर उसके बाद यह करो या फिर अथवा लगा के दिया गया है, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों का उपयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरना नए परिभाषिक शब्दों में नए नूतन शैलियों प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा की आधुनिकता प्रदान करना है। इसमें अगला ये क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के
पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन, किन किन के प्रयोग से भाषा में आधुनिकता बनती है। अगला क्वेश्चन, भाषा का विकास कब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ कहाँ के कहाँ था के अंग नयन शिथिलता सुहाई है। कहे रत्नाकर यो आवत चकात उधव मानो सुधायत को भावना भुलाई है। धारत धरा पैना उदार अति आदर सौ सारत बोह बहुलिन जो आय अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत यशुदात को दियो एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। इसी में स्वय संबंधित क्वेश्चन है पाँच। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रेम मद पान करने पर उद्धव की क्या दशा हुई। उद्धव जी ने नेत्र और अंगों का वर्णन कीजिए। उद्धव जी के दोनों हाथ में क्या क्या वस्तुएं हैं अथवा बीती विभावरी जागरी अंबर पनघ में डूब रही तारा घट उमा नगरी खग कुल कुल सा डोल रहा किस्मय का आंचल डोल रहा लो यह तल लतिक भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी अधरों में राग अमद पिए आलोक में मंज बंद किए तू अब तक सोची है आली आँखों में भरे बिहागरी। इसी से संबंधित क्वेश्चन। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या बीत गया और कौन जागे कौन बोल रहा है किसका आंचल डोल रहा है होठों और बालों और आँखों में क्या भर कर सखी रो सो रही हैं अब किसका समय आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। पहला वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा दीनदयाल उपाध्याय, तीसरा हरिशंकर परसाई, चौथा प्रोजी सुंदर रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिओत सिंह उपाध्याय। फिर अगला क्वेश्चन है, कहानी तत्व के आधार पर पंचलाइट या बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। शब्द सीमा 80 में लिखना है या फिर खून का रिश्ता, कर्म नासा की कहानी प्रमुख चरित्र पात्र का चरित्र चित्रण करना है। अगला क्वेश्चन, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का संक्षिप्त में उत्तर देना है और 80 शब्द में अधिकतम। रासमारथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए अथवा रसिमरथी खंड काव्य के आधार पर किसी सर्ग का कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। था क्वेश्चन, श्रवण कुमार खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा का सारांश लिखिए अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन अर्थात का मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक चरित्र विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की किसी घटना का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन, त्यागपथी खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र
के चरित्र गुणों का डालिए। त्यागपति खंड का के आधार प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। सत्य की जीत खंडकाव्य की कथावस्तु को संक्षेप में लिखिए अथवा सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचक खंडकाव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की घटना का वर्णन कीजिए। आलोक वृत्त खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। युवका मालवीय यकीन प्रभावपूर्ण भाषाणेन जनाना मानसी अहमोहत्या अतः अस्य सुहृदय ता परिवार कर दुपि पश्य देशस्य श्रेष्ठतरम सेवा कुरुत प्रेतवंत तदनुसारम अस्य विधि परीक्षा मुत्यर्य परियागेस्थे उच्च न्यायालय परिवाकार कर्मा कुरुतु मार भता विधे प्रकाटेन ज्ञानेन मधुका मधुरालापेन उदाहरण व्यवहारणे चाय शीघ्रमेव मित्रम न्यायाधीश च समा सम्मान भज भावती या अति प्रथम कल्पे चतुर्दशा सिंह राजकुर्वम मत्स्य आनंद मत्स्यम संकुलम सुवर्णहंसम तत्स पुनः सुवर्णहंस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती अस्ति सा तस्य वर्धमा वर्धता यत् सा आत्मा निश्चरितम स्वामिनी वरुणयता इति हंसराज तस्य वर दत्त्वा हिमवती शंकुनि संगे संपत्तत नाना प्रकार हंस मयूर हद्य शंकुनिगड़ा समगत्य एकस्मिन् महिते पाषाणतले संपतत हंसराज आत्मानां चिरुत स्वामिकं अगत्य वर्णयत इति दुस्सहित मदेशे सा शंकुनि संगे अवलोकनयत मणिवर्ण ग्री चरित्र प्राचीन मयूर दृष्टम अस्य मे स्वामिको भवतु इत्य भाषयेत। निम्नलिखित श्लोक को हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। वर्ष पर बेगा बिलुकुला पतंति प्रवासी वतात समुद्री बेगे पृष्ठकुलम प्रवाहिता शीर्घ नघो जलम विपत्ति मार्गा अथवा ज्ञानी मौना क्षमा सत्यो त्यागे सलंग विपर्याय गुड़गुड़ा नु धत्व तस्य सप्रस्व इवा। अठवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो संस्कृत के उत्तर दीजिए। संस्कृत साहित्य से प्रमुख काव्य के सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारपाल भोज किम अकथयत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत काले वृक्षा की दृश्य भवति दिलीप कस्य प्रदेश राज्य अस्ति। क्वेश्चन नंबर 10, श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। 10 का ख, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टालंकार की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। चौपाई छंद एवं सवैया छंद का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बेरोजगारी और समस्या का समाधान, सर्वधर्म संभाव, किसी मेले को आँखों देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास, स्वच्छ भारत अभियान, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, पौधन अका पौधन अका पौधन अका या पा धन वका। सेकेंड क्वेश्चन, प्रेजते का संधि विच्छेद प्रा प्लस इज्जते प्रे प्लस अजते प्रा प्लस एजते प्रा प्लस एजते। पुस्तकालय का संधि विच्छेद संधि है, पुस्तकालय में संधि है।
अभ्यंजन संधि, भास्वर संधि, सायण संधि, दविसर्ग संधि। निम्नलिखित में से किसी का समास विग्रह का नाम लिखिए। दशानंद, कृष्ण, सर्व, प्रत्येकम। 13वां क्वेश्चन, राजन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा। राजो, राज्ञा, राजा नाम, राज्ञा। इसका सेकंड क्वेश्चन, जगत शब्द का चतुर्थी विभक्ति एवं बहुवचन रूप लिखिए। सथा, धात, लोट, लतार, मध्यम पुरुष एक वचन के रूप का होगा। आ, तिष्ट, तिष्ठाम, तिष्ठ। दूसरा, अक्रोध का धातु लकार वचन लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। गमनीय, पित्वा, सा, ऑप्शन कर्तव्य। निम्नलिखित में से किसी एक का प्रत्यय लिखिए। प्रभुता, रूपवती, गुणवान। रेखांकित पदों में से किसी पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियमों का उल्लेख कीजिए। पुत्रेण सह, बापसन, ग्राम, अभित, वृक्षासंत, सापसन, किसुड़ा, नमन। क्वेश्चन नंबर 14, को संस्कृत में लिखना है। दोनों जाते हैं, बापसन गांव के चारों ओर वृक्ष है, सापसन माए तुम और किरण विद्यालय जाते हैं, दापसन विद्यालय से दूध गाय से दूध दुहाता है। यह ऑप्शन पिता और पुत्र को धर्म सिखाता है। पिता पुत्र को धर्म सिखाता है।